नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हमारे पास प्रश्न आया हुआ है टेलीग्राम पर। महाराष्ट्र जिला सांगली से हैं विश्वजीत रमेश नलावड़े और मराठा क्षत्रिय हैं। इनका एक प्रश्न है, सार्वजनिक है, कि मेरा जन्म सोमवती अमावस्या को हुआ है और जन्म की तारीख भी उन्होंने बतलाई है 3/3/2003। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अमावस्या पर जन्मे लोगों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है, उनको बहुत संकट मिलता है, उनका जीवन दुखी रूप से निकलता है। तो कृपया अमावस्या पर जन्मे लोगों की विशेषताएं या उनकी कमियां जो हों वो आप बतलाने की कृपा करें, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए, मुख्य रूप से कम शब्दों में कहें तो इनका प्रश्न है कि अमावस्या में जन्मे बालक कैसे होते हैं। देखिए, ये प्रश्न है। तो हमारे यहाँ अमावस्या में जन्म लेने वालों के लिए शांति का विधान है। शास्त्रों में बहुत सी ऐसी शांतियां हैं जो कि लोगों को प्रचलित नहीं है। हमने एक बार जो प्रश्नावली में पेज लिखते थे उसमें कई शांतियां लिखी थी, लगभग 4-5 दर्जन शांतियां हैं जो जन्म से संबंधित हैं। लोगों को प्रायः मूल शांतियां पता है ना, मूलों में जन्मा हुआ हो तो वह शांति करते हैं प्रायः, और शांतियां बहुत कम होती हैं। इनके ऊपर भी हम जो है यहाँ धीरे धीरे अपने इस ग्रुप में, इस प्रणाली में उनकी धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि किन किन जो है अवसरों पर, कैसे कैसे योगों में जन्म लेने पर बालकों की जो है शांति कराना परम आवश्यक है। जैसे कुछ अभी हम बतला दें आपको लगेगा, दर्श जनन शांति है जैसे, तो इसी तरीके से अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी में जन्म हो तब भी शांति होती है। किसी का ग्रहण काल में जन्म हो जाए, उसमें ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तब भी शांति है ना। त्रिखल शांति होती है, 3, 2 पुत्रों के बाद तीसरी पुत्री या 3-2 पुत्रियों के बाद एक पुत्र, त्रिखल जनन शांति होती है। सह नक्षत्र जनन शांति होती है, पिता के या बड़े भाई के, माता के नक्षत्र में ही पुत्र का जन्म हो, पुत्री का जन्म हो तब भी शांति होती है। कार्तिक दंष्ट्रा, कार्तिक में प्रथम पुत्र का जन्म हो जाए तब भी शांति होती है मानव का, है ना। और इसी तरीके से आशौच काल में जन्म हो जाए तब भी शांति है। और भी ज्योतिष से संबंधित बहुत शांतियों की शास्त्रों में चर्चा है, जैसे कि द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर इत्यादि योग होते हैं, और भी कई कार्य हैं। इनमें चित्रा नक्षत्र में भी शांति होती है, पुष्य नक्षत्र का भी कुछ ऐसा भाग है वहां शांति की जाती है। लोगों को लगता है पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा है, पर आप धर्म सिंधु में देखेंगे पुष्य नक्षत्र के 2 चरण बहुत खराब, उनमें जन्म लेने पर शांति का विधान। तो इसी तरीके से ये अमावस्या का जो है, अमावस्या में जनन की शांति शास्त्रों में लिखी गई है। आप देखें संस्कार दीपक, संस्कार दीपक के परिशिष्ट में बाद में जो है नारद जी के वचनों को उद्धृत करते हुए 2 श्लोक दिए गए, देखें। अथा तो दर्श जाता नाम माता पित्रोर दरिद्रता तद्दोष परिहारार्थम शांतिम बक्ष्यामि ते सदा। दर्श जनन, दर्श में जिनका जन्म होता है
उनके माता पितरों को दरिद्रता हो जाती, अर्थात उनके पितरों पर, माता पिता पर, कुल पर दरिद्रता देवी का प्रकोप हो जाता है। तद दोष परिहारार्थम शांतिम बक्ष्यामि ते सदा, और उस दोष की शांति करने के लिए मैं तुम्हारे लिए शांति कहूंगा, अर्थात शांति, वो दोष की शांति के लिए उपाय कहूंगा। तो उन्होंने फिर बतलाया है कि पुण्याहं वाच ईष्यादौ कृतु संकल्प पूर्वकम् कुंडम वा स्थंडिलम कुरियात तद्देशे स्थापयेत घटम। और बोले कि स्वस्थ पुण्यावाचन करे, घट स्थापन करे, ये सब विधि बतलाई गई है। और वहाँ सर्वतोभद्र की स्थापना होती है और कुंड या स्थंडल बना करके उस पर हवन होता है, विशेष बातें हैं। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो दर्श के तीन भाग किए गए हैं, माने अमावस्या में, एक तो अमावस्या के तीन नाम यूं समझ लीजिएगा, तीन विभाजन है कि एक दर्श कहलाता है एक भाग कहलाता कुहू, एक भाग कहलाता सिनी वाली। अब इनके कौन सा दर्श है, क्या सिनी वाली है और क्या कुहू है, ये विचार करने पे भी शास्त्रों में विभिन्न मत दिए गए हैं, उनके विभाजन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, प्रहरों के हिसाब से, घटियों के हिसाब से, चंद्र की दृष्टा दृष्ट कला के हिसाब से, प्रतिपदा के योग के हिसाब से, चतुर्दशी के योग के हिसाब से, ये तरीके से भी कई तरीके से विभाजन किया गया है। और एक सरलतम विभाजन है जो आप सभी के समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल सुगम है, वो देखिएगा। देखो धर्म सिंधु में अथ सिनी वाली कुहू दर्श जनन शांतया, सिनी वाली कुहू दर्श जनन शांतया, सिनी वाली में जन्म लेने वालों की, कुहू में जन्म लेने वालों की और दर्श में जन्म लेने वालों की शांतियों की विधि यहां दी जाती है। तो सबसे पहले वो स्पष्ट करते हैं कि तत्र अमावस्यायाः प्रथमो याम सिनी वाली, अमावस्या के कोई भी तिथि जो होती है, वाण वृद्धि रसक्षय या दस वृद्धि रसक्षय, है ना, इस तरीके से चलता है, षड वृद्धि दशक्षय, तो ये दृग गणित और सौर गणित के हिसाब से अलग अलग हैं। तो मुख्य रूप से जब से वो शुरू हो, चाहे कभी, वो तिथियों का ऐसा है कि वो कभी से भी शुरू हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि तारीखों की तरह के रात्रि के 12 बजे से ही शुरू होगी, बदल गई तारीख, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। वो तिथि की घटियाँ जब समाप्त हो जाएंगी, दूसरी शुरू हो जाएगी और तीसरी शुरू हो जाएगी। हाँ, यद्यपि वार की प्रवृत्ति सूर्योदय से मानी गई है, तो मुख्य रूप से तिथि कभी भी शुरू हो सकती है। तो जब से शुरू होगी, जब तक रहेगी, तब तक उसमें जो 8 का भाग दीजिएगा उसके मान में, तो 1/8 उसके भाग हो जाएंगे। तो यूं कहा जाए कि जो तिथि होती है प्रायः 60 घटी की होती है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए तो, यानी कि 8 प्रहर की होती है, 8 प्रहर की, जो आप देख सकते हैं 15-15 घटी की हो जाती है। तो इस तरीके से 6-6 घंटे कह लीजिएगा, 3 घंटे का जो है विभाजन हो जाता है, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। तो इस हिसाब से यदि उसके प्रथम चरण में, यानी प्रथम प्रहर में जन्म होता है, तो वो कहलाता है सिनी वाली। अमावस्या का पहला 8वां भाग, यानी पहला प्रहर जो है, तत्र अमावस्या या प्रथमो याम सिनी वाली, वो सिनी वाली संज्ञा है। और अंत्य और उपांत्य यामकुहु, अंत सबसे अंतिम 8वां भाग, और उपांत्य माने अंतिम से पहला, उपांत्य यानी 7वां हिस्सा और 8वां हिस्सा, जो 8वां याम और 7वां याम है
उसको कहते हैं कुहू, वो कुहू कहलाता है। और मध्यवर्ती पंचयामा दर्स इति केचित, और बीच के जो पांच बचे है ना, उन पांच यामों को यानी पांच प्रहरों को कहा जाता है दर्श। तो इनमें से तीनों की अलग अलग शांतियां हैं, किसी में कुछ प्रयोग किया जाए, किसी में कोई विशेष आहुति, विशेष देवता की पूजा, ये बतलाई गई है। मुख्य रूप से होगी तो इन तीनों की ही शांति। इसी तरीके से नष्ट चंद्रकला के हिसाब से विभाजन अलग अलग तरीके से है। तो पहला पैर हो गया कुहू, और दूसरा पहला पैर हो गया शनि वाली, और अंतिम के दो पैर हो गए कुहू, और बीच के पांच पैर हो गए दर्श। इस तरीके से शांति का विधान है। और मुख्य रूप से इसमें जो शांति होती है, तो सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है, परंतु सबका ये मतलब है कि इसमें जो है सर्वतोभद्र इत्यादि का पूजन करके, कलश की पूजा करके, पुण्यावाचन इत्यादि कार्य होते हैं, इनका तारतम्य पद्धति के अनुसार देखना पड़ेगा। और चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा बना करके, तांबे का सूर्य बना करके, और सोने का पितरों का जो है प्रतीक प्रतिमा बना करके, और फिर उसमें पूजन किया जाता है प्रतिष्ठा करके, इनके लिए फिर आहुति इत्यादि देने का शास्त्रों में विधान किया गया है। और ये यहाँ बतलाया जाता है शांति गर्ग मुनि के अनुसार, शौनक मुनि के अनुसार और नारद मुनि के अनुसार शांतियों की चर्चा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। ये है शनिवाल्याम प्रसूता स्याद यस्य भार्या पशुस्तथा गवाश्वम महिषी चैव शक्रस्यापि श्रियं हरे। ये सब जो है इस तरीके से शनिवाली में जिस किसी के या किसी की भार्या के पुत्र होता है, गाय अगर ब्याती है और भैंस भी ब्याती है, तो ऐसे जिसका जो मालिक है उसके लिए लिखा हुआ है कि इतनी दरिद्रता हो जाती है, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो, उसकी सब संपत्ति नष्ट हो जाती है। शक्रस्यापि श्रियं हरे, इंद्र ही क्यों ना हो, उसकी भी जो है श्री लक्ष्मी विभूति सब समाप्त हो जाएगी। ये चंति द्विजाश्चान्ये स्वप्रसादोपजीविन वर्तयेत्तान शेषांस्तु पशु पक्षी मृगादिकान। उन तक के लिए कह दिया गया है, अगर ऐसा ऐसा कोई जन्म लेता है तो उसको जो है फिर दान दे देना चाहिए, उस गाय को भैंस को जो है दान दे दे, उसको छोड़ दे। कुप्रसूतिरत्यर्थम सर्व दोष करी नृणाम यस्य प्रसूतिरत्र तस्यायुर्धन नाशनम। इस तरीके से गो महिष्यादी नाम शनिवाली कुहो जाता नाम त्यागो न तो नारी नाम इति भावा, परंतु जो है नारी का त्याग नहीं करे, ये नारी के लिए शांति करे। ये आगे बतला दिया गया है कि गाय भैंस इत्यादि कोई और पशु पक्षी किसी ने पाल रखे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जीव इत्यादि, उनको तो छोड़ देवे, स्वतंत्र कर दे, और गाय भैंस इत्यादि को दान कर देवे, परंतु नारी का त्याग नहीं है। ये जो है नक्षत्र प्रकरण में शांति का विधान बतलाते हुए पीयूष धारा टीका जो मूल चिंतामणि की है उसमें बतलाया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि ये दोष तो है ही, इसलिए इनका इसमें पूजन किया जाता है। कहीं कहीं इंद्र का पूजन, पितरों का पूजन, रुद्र का पूजन, शुक्र का पूजन इत्यादि, सूर्य चंद्रमा इत्यादि के पूजन बतलाए गए हैं। तो उनका विभाजन है कि कुहू में ऐसा करे, दर्श में ऐसा करे, शनिवाली में ऐसा करे, ये आप पद्धति ग्रंथों में देखेंगे, यहाँ तो बहुत विस्तार हो जाएगा, तो पद्धति ग्रंथों में उनको देख करके आप समझ सकते हैं और शांति करवा सकते हैं। शांति अवश्य करवानी चाहिए, ये है। तो जैसे आपने पूछा था कि दर्श जनन में कैसा होता है, तो दर्श जनन से उस पुत्र को और उसके कुल में भी जो दरिद्रता आती है और उसका कुप्रभाव उसके जीवन में रहता है, इसलिए शास्त्रों में बतलाई गई जो शांति है उस देवता की शांति करना चाहिए। और शांति में होता यही है, पूजन होता है, हवन होता है, और वो जो कलश इत्यादि होते हैं उससे उस बालक का माता का अभिषेक किया जाता है ताकि उसका कुप्रभाव उस बालक पर नहीं रहे। तो
तो ये अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसे ऋषियों महर्षियों के पद्धतिकारों के ये खुले हुए निर्देश हैं, इनका पालन करने में ही हम सभी की भलाई है। हर हर महादेव।